दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30x40 हाउस डिजाइन की। 1200 स्क्वायर फीट में पूरा मॉडल बना हुआ है और काफी खूबसूरत मकान होने वाला है। आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन और इसका साइड में भी मैंने चीजें डिजाइन की हैं। तो यही पूरा 30x40 फीट में एक बेहतरीन सा घर का डिजाइन। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर 1200 स्क्वायर फीट में एक बेहतरीन सा 4 बेडरूम्स का हाउस दीजिए। तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पर ये पूरा मॉडल मैंने आज डिजाइन किया है। 30x40 फीट का 30 का फ्रंट है, 40 इसकी लंबाई आप देख सकते हैं। और ज्यादातर चीजें बैक और साइड से क्लोज है, सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है। तो उसी में पूरा ये मकान डिजाइन किया है। तो चलो इस मकान को आज हम आपके सामने एलिवेट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, से मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देखिए। तो दोस्तों ये मॉडल जो होने वाला है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, देख सकते हैं। आपको एक गेस्ट रूम मिलता है जिसमें मैंने बाहर से भी डोर दिया, देखिए डोर और विंडो दिए, साथ साथ यहाँ पर स्टेयर्स दिए हैं जिससे आप चढ़कर ऊपर जाएंगे, स्लोप भी दिए हैं। और इसका एक बारंदा छोटा सा देखने को मिलता है। इस बारंदे में मैंने यहाँ पर देखिए दो पिलर हैं और ये जो गांव में खफरेल वाला डिजाइन होता है उसको मैंने यहाँ पर दिया है। और इसके बाद देख सकते हैं इस बारंदे को अगर टॉप व्यू देखें तो ये आपको एक गेस्ट रूम देखने को मिल जाता है और साथ साथ यहाँ इसके लिए डोर भी है जहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ से बात करें तो ये आपका डोर और विंडो दोनों साथ में। और इसके बाद आगे जैसे आप जाते हैं आपको पूरा एरिया मिलता है, आप इसे डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, आंगन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि स्पेस आपको यहाँ पर बहुत सारा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 30 और 40 फीट दोनों ही स्पेस काफी ज्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके बाद जैसे आगे जाते हैं तो आपको स्टेयर्स मिलती है, इससे आप ऊपर चढ़ेंगे और उसी के नीचे लेट और बाथ मैंने क्रिएट कर रखा बड़ा सा। आगे जाने पर आपको फिर से एरिया मिलता है, इधर आपको किचन मिल जाता है, ये एक बेडरूम मिल जाता है और पीछे दो बेडरूम आपको और मिल जाते हैं, मतलब कि टोटल 4 बेडरूम है। इसके बाद बड़ा सा डाइनिंग हॉल आपको मिलता है, किचन बड़ा सा मिलता है, लेट बाथ वगैरह सारी चीजें एरिया के अकॉर्डिंग काफी बड़ी यहाँ पर मैंने रखी है, क्योंकि 30x40 का ये मकान है इसलिए एरिया आपके पास 1200 स्क्वायर फीट काफी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने चीजें क्रिएट की है। वेंटिलेशन की अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर जाल आपको रखवाना होगा बीच में, जिससे आपके पूरे घर में आप धूप और हवा एंट्री करती रहेगी। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर था, तो मैं इसे और जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आप इसका रियलिस्टिक व्यू समझ सकें क्या पूरा मकान में बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं, बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर भी बिल्कुल सिमिलर ही बना है, मैंने ज्यादा चीजें और क्रिएट नहीं की। अंदर की बात करें तो वही दोनों बेडरूम, लेट बाथ, किचन, गेस्ट रूम और डाइनिंग हॉल, बस आपका बारंदा वाला आगे बालकनी बन जाता है। और आगे मैंने और भी बालकनी बना दी, छज्जा निकाल दिया लगभग 3.5 से 4 फीट का, जिससे आपका ये घर और अच्छा लगने लगता है, आगे आपको बालकनी मिल जाती है। लास्ट फ्लोर पर 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल और आपको गुमटी जो की स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने यहाँ पर बना रखी, आप देख पा रहे होंगे। और फ्रंट एलिवेशन पूरा आपको बहुत ही टॉप क्लास का देखने को मिल रहा है। तो ये 30x40 मतलब 1200 स्क्वायर फीट का पूरा मॉडल बना हुआ है। अगर आपको एज मॉडल हमारा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार का मॉडल बनवाना तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं पेड सर्विस भी चलाता हूं जिसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।